गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिराग, अबाउट द लिनियर ओडी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सो सॉल्यूशन इज ऑफ दिस फॉर्म, वाई एट इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन व्हिच विल बी ऑब्टेंड बाय अज्यूमिंग आर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई पी इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। लिख लो। हो गया? नो Can I read? Yes, sir. Yes, yes, sir. So how to find YP? How to find YP? For different functions, Rx, for different Rx, different type of solution you will get. ODE is y double dash plus ay dash plus by equal to rx. In D notation, what I can write? D square plus ad plus b of y equal to rx. Now YP is RX by D square plus AD plus B, or that I can say RX by function of D. Method number one. If Rx is e to the power ax, where a is e to the power ax, then yp will be
e to the power ax by function of d. It will be e to the power ax by function of a. If function of a is not equal to zero. If function of a equal to zero, it will be f dash. If f a equal to zero, but f dash a is not equal to zero. समझ पा रहे हो? एफ डी, डी के जगह पे मैं क्या करूं, डी को ए में रिप्लेस कर दू, डी को ए में रिप्लेस कर दूंगा इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, व्हाट आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव. आई हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश, एफ डैश डी, एफ डैश डी एंड एक्स विल बी मल्टीप्लाइड हियर, एंड एक्स विल बी मल्टीप्लाइड हियर. देखो कैसे, डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स. टू गेट वाई एच, डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो. एम का रिपीटेड वैल्यू, वाई एच हो गया सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एक्स. टू गेट वाई पी, वाई पी हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन. एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस वन. सो एफ ऑफ ए विल बी एफ ऑफ माइनस वन, दैट विल बी वन प्लस टू प्लस वन, that is 4. So it will be e to the power minus x by 4. Required solution is yg equal to yh plus yp, that is c1 plus c2x e to the power x plus e to the power minus x by 4. पूछो, दिस इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू. दिस इज, दिस मेथड इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू. एनी डाउट यू कैन आस्क. सर ये एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, इसके बाद ए माइनस वन कैसे आया, क्या हुआ, ए माइनस वन कैसे आया सर, फॉर्मेट क्या है बेटा. ओके सर, ओके सर. तो ए का वैल्यू क्या है इधर, माइनस वन. डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ऑफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स. To get yh,
इक्वेशन हो गया डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ऑफ वाई इक्वल टू जीरो. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स एम का वैल्यू रिपीटेड. सो वाई एच विल बी सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स. टू गेट वाई पी YP is e to the power 2x by d square minus 4d plus 4. So here FD is d square minus 4d plus 4. A ka value hai 2. So f of a matlab f of 2. What is the value? 0. अब टू का वैल्यू जीरो. सो एफ डैश डी निकालना पड़ेगा. एफ डैश डी क्या है? टू डी माइनस फोर. एफ डैश डी क्या है? टू डी माइनस फोर. तो एफ डैश टू क्या हुआ? वो भी जीरो हो गया. यहाँ पर और एक लिख देता हूँ. x स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स बाय एफ डबल डैश ए एफ एफ डैश ए आर जीरो बट एफ डबल डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये भी जीरो हो गया. So what I have to take now f double dash d. F double dash d क्या है? ना टू. So f double dash two क्या रहेगा? ना टू ही रहेगा. So it will be what? X square e to the power 2x by 2. Required solution क्या होगा? Required solution is y is equal to yh plus yp. yh है c1 plus c2x e to the power 2x plus x square e to the power 2x by 2. समझ पा रहे हो या नहीं? Y double dash minus 5y dash plus 6y equal to 4 e to the power 3x. To get yh इक्वेशन क्या हो गया? y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू जीरो. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू जीरो. m का वैल्यू 2 और 3. तो yh होगा c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर 3x. टू गेट yp yp क्या हो जाएगा? 4 e टू दी पावर 3x बाय d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6. f ऑफ d है d square minus 5d plus 6. A है 3. The f of a will be what? 9 minus 15 plus 6, 0.
शो एफ डैश डी निकालो मां, दैट इज टू डी माइनस फाइव एफ डैश थ्री क्या होगा वन, सो इट विल बी व्हाट फोर एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स बाई वन. रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज वाई जी इक्वल टू वाई एच प्लस वाई पी, दैट इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस फोर एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स. सर मतलब m का सबसे बड़ा वैल्यू ही a का वैल्यू होगा ना, m का है. तो क्या कुछ सुन रहा है बेटा? हाँ सर कुछ सुन रहा है सर, ये वाला पार्ट नहीं लिखा गया उसके बाद सर ये क्या लिखा गया है थ्योरी e to the power ax by fd ये क्या है? और ठीक है सर फिर एम के साथ तरह क्या लेना देना है? बड़ा छोटा वैल्यू कहां से आया? यहां तो वैल्यू इक्वल था. यहां पर फंक्शन क्या है? फंक्शन को देख के हम ए का वैल्यू डिसाइड करते हैं. फंक्शन को देख के ए का वैल्यू डिसाइड करते हैं. y डबल डैश माइनस सेवन वाई डैश प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर थ्री एक्स. टू गेट वाई एच इक्वेशन हुआ y डबल डैश माइनस सेवन वाई डैश प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू जीरो. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. तो एम का वैल्यू क्या है? माइनस फोर एंड थ्री, थ्री एंड फोर. तो वाई एच हुआ सी वन ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर फोर एक्स. टू गेट वाई पी, वाई पी क्या हुआ ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर थ्री एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व. तो ये अभी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ई टू दी पावर टू एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व. दूसरा होगा ई टू दी पावर थ्री एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व. इसको नाम दे दो वाई पी वन, इसका नाम दे दो वाई पी टू. और वाई पी वन और वाई पी वन एफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ए क्या है? टू. एफ ऑफ टू क्या होगा? फोर माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व, दैट इज टू. तो सो वाई पी वन का वैल्यू क्या होगा? ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू होगा, ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू होगा. और वाई पी टू, और वाई पी टू, वाई पी टू क्या है? ई टू दी पावर थ्री एक्स, ई टू दी पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व. एफ डी क्या है इधर? डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस ट्वेल्व, सेवन डी प्लस ट्वेल्व. व्हाट इज ए हियर? Three. F of three will be what?
नाइन माइनस 21 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो जीरो सो यू हैव टू फाइंड एफ डैश डी डैश डी इज 2d माइनस 7 एफ डैश 3 क्या होगा 6 माइनस 7 माइनस 1 ये हो जाएगा x e to the power 3x by minus 1. Now yp is yp1 plus yp2. yp1 क्या मिला e to the power 2x by 2 minus x e to the power 3x. The required solution is required solution is yh equal to yh plus yp it is c1 e to the power 3x plus c2 e to the power 4x plus e to the power 2x by 2 minus x e to the power 3x is your solution. जितना वेराइटी यहां पर हो सकता है हर वेराइटी में दिखा रहा हूं बट दिस इज द थ्योरी दिस इज द थ्योरी. जितने भी जो चार पांच प्रॉब्लम किया चार पांच प्रॉब्लम में हर जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है दैट डिफरेंस यू हैव टू ऑब्जर्व दैट डिफरेंस यू हैव टू पिक एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व. क्या हो रहा है लिख लो. सर एक डाउट था सर मेरा. सर अगर आर एक्स की जैसे ए टू दी पावर ए एक्स की जगह वन लिखा हो तो भी हो सकता है क्या ए की वैल्यू जीरो हो जाए. नहीं उसके लिए अलग प्रोसेस है. ओके यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन है कोई भी फंक्शन आएगा तो नहीं कर पाओगी. कोई भी फंक्शन आए आर एक्स के जगह पे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगी. कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन है वही स्पेसिफाइड फंक्शन के साथ सॉल्व करना है. क्या क्या है बताऊंगा एक वन बाय वन. जल्दी करो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले जाओ. नेक्स्ट पेज सर. नेक्स्ट पेज सर. पीबीएस पे करिए सर. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज सर.
नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट हो गया सर, लास्ट पेज दिखा दीजिए ना। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट नहीं, थोड़ा पढ़ लो, कहां पर डाउट है पूछो। किसी का कुछ डाउट नहीं है? तो एग्जिट करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। मेथड नंबर टू, इफ आर एक्स इज साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स और ए साइन ए एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स,
तो वाई पी साइन ए एक्स बाय वहां पर हम कर रहे थे डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी, उसको एफ ऑफ डी कर रहे थे, बट हियर वी हैव टू टेक इट एज एफ ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस. डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर. डी स्क्वायर डी विल बी नॉट रिप्लेस्ड, डी विल बी नॉट रिप्लेस्ड, ओनली डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर. कॉस ए एक्स का सेम प्रोसेस, कॉस ए एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी इज सिमिलरली कॉस ए एक्स बाय फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज कॉस ए एक्स बाय फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर. इन पर्टिकुलर cos a x by d square plus a square, not minus a square, d square plus a square is x by 2 integration of cos a x dx, जो होगा x by 2 into 1 by a sin a x. Similarly sin a x by d square plus a square will be what? X by 2 integration of sin ax dx, जो हो जाएगा x by 2 into 1 by a into minus cos ax. That is the formula. तो सपोज क्वेश्चन इज डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज कॉस 2x. टू गेट होमोजीनियस सोल्यूशन इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. एम का वैल्यू 0 प्लस माइनस 2y, 0 प्लस 2y, अदर वन इज 0 माइनस 2y. तो y एच होगा e टू द पावर 0x इनटू c1 cos 2x प्लस सी टू साइन टू एक्स, जो रिमेन्स एज सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स. अमृत राज, शुभस्मित राय, अमृत राज, शुभस्मित राय, तुम दोनों को आज तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा. प्रीवियस 5 अटेंडेंस तुम्हारा हटा दिया जाएगा. शेखर रेड्डी यस सर, तुम्हारा भी वही किया जाएगा, क्योंकि क्लास तुम नहीं कर रहे हो लेकिन अटेंडेंस के लिए बाद में आते हो. सर मैं कब आ गया? तुम अभी 5 मिनट पहले आया. नहीं सर, पहले भी था. टू गेट वाईपी, और एक है जाह्नवी सिंह. मैं मार्क कर रहा हूं.
कौन कब आ रहा है? डी स्क्वायर प्लस फोर अप वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स, तो वाई पी क्या है? कॉस टू एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस फोर। शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, कॉस एक्स वाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दैट इज एक्स वाई टू इंटेग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स, दैट इज एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू साइन टू एक्स। यहाँ इंटेग्रेशन के बाद कोई कॉन्स्टेंट यूज नहीं होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑलरेडी यूज हियर, दैट इज एक्स साइन टू एक्स बाई फोर। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज वाई जी इक्वल टू वाई एच प्लस वाई पी, which is c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus x sin 2x by 4. c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus x sin 2x by 4. तो आज के लिए इतना ही। मोर प्रॉब्लम ये मेथड में नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लिख लो। रोल नंबर 426। प्रेजेंट सर। गार्गी चौधरी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। Previous class is finished. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us start with last time we have finished the collision theory, and we have also seen the limitations of collision theory, that collision theory is applicable to bimolecular gaseous reactions and it is silent regarding the contribution or role of vibrational and rotational energies. Also, it does not tell anything about evaluation of orientation factor or contribution of orientation factor. Means no foolproof plan is there to calculate this orientation factor. Is some limitation tha collision theory ka. But one of the limitation of collision theory, which was it cannot be applied to unimolecular reactions, that can be overcome by little bit changing this existing theory. Thoda bahut change karte hum kar sakte hain. That is what
Lindemann has done, and that is known as modified collision theory. My voice is clear and audible, no? Yes, sir. Yes. Okay. So let us go to that modified collision theory. Modified collision theory. This is also known as time lag theory. Somebody wants to ask something? सर आप बोले थे कि आप Z12 का वैल्यू निकालेंगे शुरू में याद कराने के लिए. अच्छा अच्छा ओके ओके तो उसको कर देते हैं पहले. उसको कर देते हैं उसके बाद से वही दैट वाज ओनली लैपटॉप ना और कुछ था ना ओनली Z12 सर सिर्फ वही. ओके मैं कर देता हूँ. We are not expecting question from that, but still, let me do that. Z11 we have evaluated, 1 by root 2 pi n square sigma square v. This was what we have evaluated already. We want to find out Z12. So, for Z12, we can apply this same approach. Means I can write 1 by root 2 pi. This is n1 plus n2 square sigma square b. So 1 by root 2 pi n1 square sigma square b plus 1 by root 2 pi n2 square sigma square b plus 1 by root 2 by 2n1 into sigma square b. So if you look at the relation, this one and this one, this is actually self collision frequency. That means this is the frequency of at which only category 1 molecules collide with each other. Do you understand? Whenever in a system we are having two types of molecules, there can be three possibility of collision. Number one, 1 and 1. Number two, 2 and 2. And number three is 1 and 2. Is not it? Yes, sir. So these two actually account for self-collision, and this is collision among themselves. So these two collisions I am deducting, and we are only left with this collision, because these collisions never give rise to reaction. Collision among, suppose nitrogen, hydrogen gives you ammonia. So collision among nitrogen and collision among hydrogen are not going to give you the reaction. So ye dono ko hum hata dete hain. 1 by root 2 pi 2n1 n2 sigma square and v. This is actually the relation Z12. एंड इसमें फिर आपको सब्स्टिट्यूशन कर देना है. क्या क्या ना सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करना है. वहां पे सिग्मा क्या था? डायमीटर था. कोलिजन डायमीटर. तो यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल है. मींस सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी. जस्ट टू डिस्टिंग्विश आई एम टेकिंग डिफरेंट साइजेस. सो दिस इज व्हाट आई से. Let's say this is sigma 1 and this is, let's say, sigma 2. Okay, this is the collision diameter for 1, this is the collision diameter for 2. So what is the sigma we have to utilize here? That is the average of the collision diameter of individual molecules. Do you understand? This sigma is the average of the diameter of collision diameter of individual molecules. Another thing we have to substitute is average velocity. Average velocity, what we have substituted, that is 8RT by pi into m root of. This was previously we have substituted. Now this m has to be replaced by
mu. That is the reduced mass. Okay. So m has to be replaced by mu. That is the reduced mass, and that is m1 m2 by m1 plus m2. So this much you have to substitute here. Do you understand? Yes, sir. So this is 1 by root 2 pi 2 n1 n2 sigma 1 plus sigma 2 by 2 square, then 8 rt by pi mu. Okay, so you can little bit simplify the things, because this will be 2 square 4, and in the numerator you can have 2 root 2. 2 root 2 means that is 4 root 2. So 4 4 cancelled, root 2 root 2 cancelled. So we will be left with what? N1 N2 sigma 1 plus sigma 2 square pi RT by mu. Is it okay? Yes, sir. So that is the formula we can utilize. Sir, for finding collision, the filing of sigma in the new formula, we are taking the average, and for that molar mass, we are taking the reduced mass, sir. Why is this? Why don't we take the average mass, molar mass? Average mass, actually, exactly the logic, I don't know. I have to think over it, and I will give you the answer subsequently, but I have been taking this directly from the kinetic theory of gases. If you look at the kinetic theory of gases, when you consider the collision among different molecules, instead of individual mass, we always consider the reduced mass. Okay, mu stands for the reduced mass. But the logic, I have to find it out, reduced mass. Exactly, I am not aware of this. Okay. We do not take average mass. Okay. बोलूंगा आपको थोड़ा, मैं कभी नहीं सोचा हूँ इसके बारे में, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ वहां पे काइनेटिक थ्योरम गैसेस से. फिर भी मैं थोड़ा देख लूंगा, देख के बोलूंगा. ठीक है सर, थैंक यू सर. सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड नो दैट we can also use this Z12 while calculating the total collision in some different molecules. Okay. And the concept you should understand that self collisions you have to remove. इसलिए ये एक चीज है जो कि आपको देखना है कि self collisions आपको remove करना है. बाकी जो काम है sigma and v का, ये तो definitely you have to do. But self collision को आपको remove करना है, because self collisions are not interested in self collision. So we are interested in the collision among the different molecules. Okay. So we'll come back to that modified collision theory. Let us go to that modified collision theory. This is interesting, and whenever we expect a question from collision theory, ज्यादातर question इसमें से आता है. Okay. कॉलिजन थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आपका आइदर एक्टिवेशन एनर्जी इवैल्यूएशन से आता है या इसमें से आता है, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी से, क्योंकि बेसिक कॉलिजन थ्योरी आपका प्लस टू में था. ओके, सो ज्यादातर आपका एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन से आता है या इसमें से आता है, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन क्वेश्चन इज सेट बाय सम एग्जामिनर, इट गोज टू मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी. इसको हम टाइम लैग थ्योरी बोलते हैं. व्हाई टाइम लैग थ्योरी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी गो थ्रू द सैलिएंट फीचर्स. एंड आल्सो इसको लिंडेमैन थ्योरी भी बोलते हैं. लिंडेमैन, लिंडेमैन इज एक्चुअली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, सो व्हाट दिस मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी सेज, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, देन आई विल write the salient features. Okay, so yahan pe I'm taking energy, yahan pe I'm taking reaction progress. I'm going to draw a energy profile. I think we are already acquainted with this type of
energy profile curves. So this is your actually reactant, this is your product. आपको सबको पता है कि ये आपका reactant है, ये आपका product है, reactant and this is product and this is your transition state. Sorry, we are what I say. This is your threshold energy because we are going through collision. So this is threshold point or threshold energy. This is reactant energy. This is product energy. Anyway, so what is I am interested in explaining unimolecular reactions. Okay, I am interested in unimolecular reactions. Okay. Acha, unimolecular reaction means what? That is only one reactant A that gives you that decomposition, and you are getting the products. So one molecule take part in the rate controlling step. That is why the name is unimolecular reaction. Am I correct? Or am I correct or not? Sir, you told that one molecule takes part in the rate controlling step. Yes. Alright, sir. So, ek hi molecule hai. Isliye to number of molecules that take part in the rate controlling step is known as molecularity, na? तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है, वन पार्टिकल ओनली, दैट इज व्हाई द नेम इज यूनिमॉलिक्यूलर. व्हाइल राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन, रेट विल बी रेट कांस्टेंट इनटू ए, सो डेफिनेटली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. बट देयर आर सम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और ऑफन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व टू फॉलो second order kinetics. That is a very, very interesting thing. It is a fact, actually. It is a reality that often unimolecular reactions are found to follow second order kinetics. How to explain that? We cannot explain. Second thing, we are saying that collision is essential requirement of reaction. So how a single molecule can decompose by itself? It must collide with some other molecule to decompose. That is why the collision theory is failure, na? So what modification you have to suggest so that I can explain that in a unimolecular reaction, always the controlling step carries one molecule. And second thing, what is the condition in which a unimolecular reaction will follow the second order kinetics? Bahut sara ambiguity hai, we have to explain. So what Lindemann has suggested, you see. What Lindemann has suggested, this is actually the reaction. What Lindemann has suggested, you see, A strikes with A and get activated. Try to understand my point. The molecules get activated. This is actually, I am talking of activated molecule. Activated. So, molecule get activated through collision. You know, molecular collisions are perfectly elastic. So when A collide with A, that is energy transfer, and one molecule is actually activated. That is this step actually. I am talking of this step. Okay. So reactant is activated. This step is known as activation. Try to understand my point. Okay. Now, what happens to this activated molecule? What you are expecting? The activated molecule will decompose to give you product. Is it not it? Yes? Oh, sir. Yes, sir. So it is expected that once the molecule is activated, activated means it is reaching the threshold energy. Now it will decompose. This step is known as decomposition. And the products are obtained. But what Lindemann is saying that there is a time gap between activation and decomposition. That is why the name is time lag theory. Try to understand my point. A very, very simple thing, but that makes the whole change in the approach.
what Lindemann is saying, there is a time lag, there is a time gap between activation and decomposition. That means molecule is activated, abruptly it is not going to product. Okay, so these are actually two steps. There is some gap, there is some gap there. Aap bologe kitna gap hai? No, gap is very very small. The gap is fractions of second, because we know that here this is very high energy and activated molecule ka jo time of existence hai bahut kam hai, fractions of second hai. But fractions of second also plays a very very important role, because we know in a second 10 to the power 28 10 to the power 25 collisions takes place. So even if in a fractions of second we are expecting millions of collisions, am I correct? Yes. So this activated molecule may give rise to product, or there is also a possibility. Let me write in the second step and let me take it to the third step. What happens? There is a possibility during that time gap, this A star will combine and strike with another normal molecule, and both of them get deactivated. Ye possibility ho sakta hai ki nahi? Can I ignore this possibility? Means many of the authors write here also by putting a reversible sign. Same thing. I'm just separating it and writing here. The activated molecule, once the molecule is activated, it may give rise to product, or it may strike with another normal molecule and both of them may get deactivated. Isn't it possible? Do you understand what I'm saying? That means what Lindemann is saying, ultimately molecule activate hota hai through collision, but all activated molecules may not lead to product. Some of the activated molecules may get deactivated. Do you understand? This is activation, this is deactivation, and this is decompose. Do you understand what I'm saying? Yes. Sir, आप वो time gap के बारे में एक चीज बोले थे ना, थोड़ा सा एक बार repeat कर देंगे? We'll come back to this point. Let me write the salient features, and with that we will come back to the discussion. What Lindemann is saying, molecules get activated through collision. जहां पे आपको प्रॉब्लम है यू कैन टेल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी. Molecules get activated through collision, is not it? There exists a time lag between activation and decomposition. Okay, so molecule activate hua, uske baad molecule break karke product dega na, this is a unimolecular reaction. But what Lindemann is saying, there is a gap, there is some time gap, very very small, I agree with you, but there is a gap. Next, in the time gap or in the time lag, there is every possibility that the activated molecules may get deactivated through subsequent collision. Do you understand now? Yes. In the time lag, there is every possibility that the activated molecules may get deactivated through subsequent collision. Can I prevent collision?
जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया वो क्या कॉलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इट इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉलिजन, इज नॉट इट? यस सर, यस सर, जस्ट वेट फॉर मी, पढ़े होगी मो क्लास टाइम के लिए सॉरी जरूर ठीक है लोगों को पढ़ा दियो यार बहुत दिन से पढ़ा ही है ओके मुझे आदत दिया हाँ ठीक है आपने सॉरी ओके सो मॉलिक्यूल्स गेट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का जो नेक्स्ट जो उसका जो फ्यूचर है वो दो तरह का हो सकता है आइदर इट विल गेट डीएक्टिवेटेड मींस कम बैक टू रिएक्टेंट नॉर्मल हो जाएगा या गेट डिकम्पोज टू प्रोडक्ट ओके देयर आर टू पॉसिबिलिटीज सो व्हाट द ओरिजिनल कोलिजन थ्योरी सेज मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया मींस इट इज गोइंग टू प्रोडक्ट व्हाट इज द मॉडिफाइड थ्योरी सेज एक्चुअली ऑल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू प्रोडक्ट सम ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स गेट डीएक्टिवेटेड इन द टाइम गैप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग The difference can you mark? Yes, or I will repeat again. Sir, it is understood. Okay. So next thing is that the when you calculate rate, the rate किसके ऊपर depend करेगा? All activated molecule के ऊपर तो depend नहीं करेगा क्योंकि some of the activated molecules are not going to product. So rate will depend on the activated molecules. Which actually survive in the time lag, जो बचा रहा जो deactivate हो गया उसके ऊपर तो rate depend नहीं करेगा तो rate किसके ऊपर depend करेगा जो survive किया so last point we'll write rate of reaction depends on the what molecules that convert into products or decompose into products activated molecules We write in this way: those survive in the time lag. वो जो time lag के अंदर वो जो जो survive किया, जो बच के रहा, वही product में convert होगा. So that is your Lindemann concept and mathematical approach देख लेते हैं. यही steps हम लोग use करेंगे. Okay? Can I? राइट द रेट कॉन्स्टेंट और एक बार लिख देता हूं फिर एक बार लिख देता हूं तो मैथमेटिकल अप्रोच जब करते हैं हम ए प्लस ए दैट गिव्स यू ए स्टार प्लस ए दिस इज लेट्स से रेट कॉन्स्टेंट इज के वन आप यहीं पे बैक करके के माइनस वन लिख के भी कर सकते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू बट मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है मैं बोलता हूँ कि वंस इट इज एक्टिवेटेड देयर आर टू वेज इन व्हिच इट इज यूटिलाइज्ड वन इज It collide with another molecule and both of them get deactivated, or it may give rise to product. So this is your K2, this is your K3. Now, what is the rate as per the theory? Rate is equal to K3 into A star. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा ना इसी के ऊपर डिपेंड करेगा बट ए स्टार कैन आई कीप इट इन द रेट लॉ नो आई हैव टू रिप्लेस फ्रॉम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन तो बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन डी ऑफ ए स्टार बाय डीटी इज इक्वल टू जीरो और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप So K1 into A square and get utilized in the second step and third step. Am I correct? Yes. ठीक है. हाँ sir. तो A star निकाल देते हैं and वहाँ पे replace कर देंगे काम खत्म. A star or activated molecule concentration is equal to K1 into A star, A square, K2 A plus K3. So this is your relation number two. तो अभी इसको यहाँ पे replace कर दो. So what will be rate now?
that is K1 K3 A square divided by K2 A plus K3. So this is your overall rate. Okay. यहाँ पे we can put the conditions. Tell me, what are the conditions? Condition or case one, time lag is relatively large. Do you understand what I'm saying? Time lag बहुत ज्यादा है तो होगा क्या? आप मुझे बोलो, अगर time lag between एक्टिवेशन एंड डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो कौन सा स्टेप ये दोनों में से कौन सा स्टेप फेवर होगा? सेकंड स्टेप, डिकम्पोजिशन या डीएक्टिवेशन? डीएक्टिवेशन हो सकता है. डीएक्टिवेशन डेफिनेटली. डीएक्टिवेशन एक्टिवेट होने के बाद डिकम्पोज होने के लिए अगर बहुत टाइम लेता है मॉलिक्यूल, डेफिनेटली इसके बीच में इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन है वो तो ज्यादा होगा ना. जितना टाइम मिलेगा उतना पॉसिबिलिटी है कोलाइड करने का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है डीएक्टिवेट हो जाने के लिए. तो सर्वाइवल रेट विल बी मोर इफ द टाइम गैप इज स्मॉल. तो व्हेन दिस कंडीशन इज यूटिलाइज, टाइम लैग इज रिलेटिवली लार्ज, देन डीएक्टिवेशन is favored. And we can say that K2A is very very greater than K3. तो मैं condition डालने की कोशिश कर रहा हूं. अगर time lag कोई unimolecular reaction में ज्यादा होता है तो second step जो deactivation step है वो favored हो जाता है. तो इसका rate ज्यादा होता है. And if you replace that this condition in the rate expression, then rate will be equal to that K1 K3 A square, K1 K3 A square divided by K2 into A. So this is cancelled and this will be, you can take this as a constant, K into A. Here K is equal to K1 K3 by जो उपले नया सके जा सुना. ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस एनालिसिस? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, एम आई करेक्ट? यस सर. Order is first order. Let me write that. So there is no abnormality here. It's a unimolecular reaction follows first order kinetics. Isme abnormality kya hai? Normally it is expected that unimolecular reaction will follow the first order kinetics. Let us look at this condition number two. That is interesting. Condition number two. Time lag is relatively small. What will happen? Decomposition will be favored. That means K3 is very very greater than K2A. So if I substitute in the rate expression, rate is equal to K1 K3 A square divided by K3. So K3 cancelled. That is K1 into A square. What is the order you see? Second order. आप देख लो, एक unimolecular reaction कौन सा kinetics follow कर रहा है? Second order. So this is very very important. Very very important, and often the question is asked in the examination, tell the condition in which a unimolecular reaction, an unimolecular reaction follows
second order kinetics. What will be the answer? When the time lag is if low, the time lag small. Is less low. So when the time lag is relatively small, actually it follows second order kinetics. ये एक दो मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड आपका चार मार्क का क्वेश्चन चार मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है. अगर फोर मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैथमेटिकली शो करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? यस यस. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली ये दोनों कंडीशन में से ये दूसरा कंडीशन ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो इतना कोई इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, बट द सेकेंड कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइम लैग थ्योरी आपको जो हेल्प करता है, जो कि लॉजिकली क्वेश्चन में आता है, कोई कोई आपको लिंडेमैन थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, ओके, उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टू फॉलो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वो भी पूछ सकते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है उसमें हाउ मेनी स्पेसीज आर देयर, एक ही स्पेसीज है कि नहीं? अरे रेट कंट्रोलिंग स्टेप में कितना स्पेसीज है? एक ही है ना? यस. तो इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं? ओके, तो दिस इज द मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी व्हिच लिटिल बिट हेल्प्स अस टू ओवरकम द limitation of original theory and help us to understand the unimolecular reactions. So that is all about your collision theory. That finishes your collision theory. And यहाँ से ज्यादातर यही question आता है जो last question में बोला आपको, the condition in which a unimolecular reaction follows second order kinetics. Okay, directly हो सकता है question, indirectly हो सकता है. So we'll continue the discussion and we'll go to the next theory, the second theory, that is activated complex theory. आप अगर बोलोगे तो थोड़ा मैं consolidated कर देता हूँ collision theory में हमने क्या क्या देखा. Collision theory, actually the intention of proposing collision theory was to explain the effect of rate on effect of temperature on rate of a reaction. So we have developed this relation that rate is equal to 2 n square sigma square pi RT by m root of, this is the frequency, into Boltzmann factor E by RT into P. So ye relation aap use kar sakte ho. Definitely I am talking of Z11. Second thing, you can utilize also this Arrhenius equation, e to the power minus e a by rt. Z11, Z12 ka formula we have developed, and also the Lindemann theory relation that unimolecular reaction ke liye humne jo develop kiya, that is k1 k3 a square divided by k2 a plus k3. So it was याद रखिए रिलेशंस जो कि आपको बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई पूछ सकता है. Z12 नॉर्मली नहीं आता है, बट Z12 के लिए भी आप अगर चाहो तो वो रिलेशन आप याद रख सकते हो जो N1 N2 वाला रिलेशन था. ओके, सेकंड थ्योरी हम लोग चलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. डेफिनेटली व्हेन वी आर गोइंग टू अनदर थ्योरी, इट ऑब्वियसली टेल्स अस दैट सम लिमिटेशंस वर देयर इन द फर्स्ट थ्योरी. And to overcome them, we are going to the second theory, that is activated complex theory. So activated complex theory, this is known as activated complex theory, or sometimes known as transition state theory. Ek hi baat hai, synonymously hum log bolte hain. And two scientists ke yahan pe responsible hai, collision theory ke liye bhi two scientists responsible the, Arrhenius and Bantoff. And yahan pe Ring and Poulan. Ring and Poulan, P-O-L-A-N-I. These are the two workers behind the concept of this activated complex theory. So what the theory says, let me directly go through the salient features and
explain it also at the same time. Okay. So what the theory says, as the reacting molecules approach each other, there occurs rearrangement of valency bonds, and on reaching equilibrium, they get converted to an energy rich, short-lived LIBH, short-lived, reached equilibrium, they get converted to an energy rich transient existence likhne se bhi chalega, short-lived likhne se bhi chalega, bahut kam time ke liye aayega, short-lived species known as activated complex or transition state. Main thoda aap book mein dekhoge to 3-4 point likha hoga, but I think there is no need of writing so many points. This is the basic thing. Main usko explain karta hu, but with one example. Main ye sentence ko explain karne ke liye main aapko ek example ke sath explain karunga, जो कि आपने प्लस टू में पढ़ा है. यू हैव गॉन थ्रू इन प्लस टू एसएन टू रिएक्शन, याद है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर एसएन टू रिएक्शन, याद है? यस. तो एसएन टू रिएक्शन में क्या होता है ना, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है. तो टेट्रावेलेंट मीन्स आप, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्रावेलेंसी. आप इस तरह से मॉलिक्यूल को दिखा सकते हो. ये डॉटेड लाइन मींस दैट इज अवे फ्रॉम यू, सॉलिड लाइन मींस टुवर्ड्स यू, एंड ये जो लाइन है नॉर्मल लाइंस वो ऑन द बोर्ड है. आपको एक थ्री डायमेंशनल आइडिया देता है. इवन इफ यू डोंट वांट इट, मे नॉट शो दैट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स. व्हाट हैपेंस इन दिस, न्यूक्लियोफाइल कम्स इन, एंड आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप के साइड से निकल नहीं सकता. मींस इट कैन नॉट अप्रोच फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, रादर न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड. एम आई करेक्ट? अरे ही होता है न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड, एंड देयर इज अ स्टीरियोकेमिकल इनवर्सन. इसके बारे में फिर डिटेल बहुत सारा चीज है, कितना रिटेंशन होता है, कितना इनवर्सन होता है, बट I'm not interested in that. So this is the living group, is not it? A mechanism, and this is a concerted one step reaction. Nucleophile enters from the back side of the living group, living group goes out, nucleophile attaches itself to the carbon, and ultimate result is living group is substituted by nucleophile. This is your SN2 reaction. Acha, when you have gone through this reaction, अरे याद आ रहा है कि नहीं? यस यस. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग सर? आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम. नहीं, एक्चुअली मैं SN2 रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. SN2 रिएक्शन आपको याद होगा, SN2 में वी टेक ए अल्किल हैलाइड
or anything else you can say, the living group is halogen here, and there is a nucleophile which has to replace the living group. आपको mechanism याद होगा, living group जिस side से निकलता है उसी side से nucleophile approach नहीं करता है, nucleophile approach back side से करता है, and the living group goes out. This is a one-step concerted mechanism. One-step concerted, C-O-N-C-E-R-T-E-D, concerted mechanism. One-step mechanism, C-O-N-C-E-R-T-E-D, concerted mechanism. तो इसमें क्या होता है ना, nucleophile backside से approach करता है, living group निकल जाता है, nucleophile carbon bond is formed at the same time carbon living group bond breaks. इसका एक और एक mechanism भी आपने पढ़ा होगा, SN1 mechanism. जिसमें पहले कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक्स गिव्स यू अ कार्बोकैटायन फॉलोड बाय द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू फॉर्म द बॉन्ड विद कार्बन इन द सेकंड स्टेप बट दिस इज वन स्टेप ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दैट मूव्स थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट इज समथिंग शॉर्ट लिव्ड हाई एनर्जी हाइपोथेटिकल. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. दिस इज एक्चुअली हाइपोथेटिकल. इट कैनॉट बी आइसोलेटेड. नोबडी हैज सीन इट. नोबडी हैज एग्जामिन्ड इट. बिकॉज इतना शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए ये आता है सिस्टम के अंदर, वी कैनॉट आइसोलेट एंड गो थ्रू द कॉन्फिगुरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज. दैट इज आवर लिमिटेशन. बट रिमेंबर इट हैज ए पर्टिकुलर कॉन्फिगुरेशन. उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ओके, सो यू कैन सी इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड व्हिच हैज टू ब्रेक कंप्लीटली. द ब्रेकिंग प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. That is why I have shown it in a dotted line. ये जो breaking process है वो शुरू हो गया है and living group has started taking its electron pair from carbon. That is why इसके ऊपर partial negative charge है. Try to understand. When the bond will break, the living group will take the electron from it and go away as a complete L minus species. Similarly, nucleophile has started sharing the electrons with carbon. That is why the complete charge is not here. There is a partial charge. And when the bond is completely formed, means nucleophile will finish sharing of electron with carbon, then it will not carry any charge. So, ये एक ऐसा species है जिसमें carbon nucleophile bond partially breaked है, जो कि completely break होना है. Carbon nucleophile bond just formation शुरू हुआ है, completely formation नहीं हुआ है. This is something very hypothetical, short lived. बहुत कम टाइम के लिए आता है. इन कैनॉट बी आइसोलेटेड. एंड इफ यू लुक एट द एनर्जी प्रोफाइल यू कैन शो इन दिस वे. दिस इज एक्चुअली द कार्बन मीन्स द रिएक्टेंट एक्चुअली प्लस न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. एक्चुअली दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. And this is your product. Do you understand what I'm saying? Transition state समझ में आ रहा है तो transition state or activated complex. Yes. And try to always understand the transition state and intermediate. Intermediate is something else. To look at another reaction. SN1. ये lifetime आपको काम में आए. SN1. Same. Let's say. I am taking this one. Mechanism is different actually. Here what happens, this is a two-step mechanism, two-step, not concerted. So first of all, what will happen? Carbocation is formed as intermediate. Try to understand, this is intermediate. This is not transition state. And in the next step, this intermediate actually, this is plus nucleophile. And we are going to get the product. Nucleophile can approach from both sides. It can approach from this side. It can also approach from back side. Therefore, we get two types of product here. आपको याद होगा, एक तो retention product and एक आपका inverted product.
कितना रिटेंशन कितना इन्वर्सन ये सब इसको भी देखना पड़ेगा आपको. बट यू अंडरस्टैंड दिस इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू. एंड द एनर्जी प्रोफाइल, हाउ द एनर्जी प्रोफाइल लुक्स लाइक. यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट ये दोनों क्या है. कैन यू सी द एनर्जी प्रोफाइल? कैन यू टेल मी वेयर इज द इंटरमीडिएट लाइन? सर वो जो डिप में है बीच में वहां पर. एग्जैक्ट. सो देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. इंटरमीडिएट इज एक्चुअली कार्बोकाटा. It is relatively stable and we can isolate it. So this is your transition state one. This is your transition state two. So up to this, this is step one. Reactant to trans, mane ye jo hai, step one. And this side is actually step two. From intermediate to product. Do you understand the difference of SN1 and SN2? Yes? एक्चुअली एस एन वन एस एन टू जरूरी नहीं है बट इसके बारे में आपको पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. दैट्स ऑल. एस एन वन एस एन टू आपको पता है इसलिए थोड़ा ये एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है. सो ट्रांजिशन स्टेट सब जगह पर होता है, कोई भी स्टेट में. इट इज नॉट एक्चुअली इंटरमीडिएट. इट इज शॉर्ट लिव्ड, हाई एनर्जी एंड इट कैनॉट बी आइसोलेटेड. ये आइसोलेट नहीं हो सकता, इसलिए तो आप ये सिंगल स्टेप बोलते हो. इसको हम क्या दो स्टेप नहीं बोल सकते? यहां से यहां तक स्टेप वन, यहां से यहां तक स्टेप टू. नॉट. इट इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली. दिस इज अ कॉन्सर्टेड रिएक्शन. मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. याद है तो आपको एक साथ होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां सर. यस सर. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. यू कैन अंडरस्टैंड एज द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर. जब न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दे अप्रोच ईच अदर, व्हाट हैपेंस? देयर ऑकर्स रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंसी बॉन्ड्स. ये जो ओरिएंटेशन के बाद में कर रहा हूं ना, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, जो उसका जो स्टेरिक रिक्वायरमेंट है, इसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये सब वो खुद ब खुद हो जाता है. मीन्स दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, वो ऑटोमेटिकली होता है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. देयर ऑकर्स रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंसी बॉन्ड्स एंड when the reach equilibrium, a suitable distance at which attractive forces actually dominate over repulsive forces, that is what I say the equilibrium situation, they get converted to an energy rich activated complex. Do you understand? This is known as transition state or sometimes also known as activated complex. Koi bhi ek word aap use karo throughout, either transition state or activated complex, they are synonymously utilized. समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट? सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के आगे आप एनर्जी कुछ बोले थे, वो वर्ड क्या था? कैन यू रिपीट वंस अगेन? आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के आगे एनर्जी कुछ बोले थे, एनर्जी उसके बाद क्या था? एनर्जी, एनर्जी रिच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है सर. ओके, सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट ये हो गया. फर्स्ट पॉइंट हम समझ गए. सेकंड पॉइंट इज दैट the activated complex or transition state, whatever you say, only one word you utilize throughout. Okay, I am utilizing transition state. The transition state remains in dynamic equilibrium with reactants. This is very very interesting. Aap ye samajhne ki koshish karo kya bol raha hai. The transition state remains in dynamic equilibrium with reactants. That means what I am saying or what the theory says, this process of transformation of reactants into transition state is not irreversible, rather it is reversible. That means nucleophile comes close to substrate, transforms into transition state, but all transition state do not go to product. Do you understand? Some of the transition state may come back to reactant. Try to understand my point. This is the next theory, latest theory. So definitely
Polanyi and Ehring, they have tried to incorporate the modifications done by Lindemann. Okay, ये यहाँ पे time lag के बारे में नहीं बोल रहे, but ये बोल रहे कि transition state बनने का मतलब ये नहीं है कि product बनेगा. Some of the transition state may collapse and free your nucleophile from the substrate. Do you understand what I'm saying? Okay. Yes. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Are you connected or not? Yes. सर एक बार और बोल दीजिए. Yes. नहीं नहीं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका न्यूक्लियोफाइल कम्स क्लोज टू द सब्सट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, बट व्हाट द थ्योरी सेज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट गिव ए गारंटी दैट वी आर गोइंग टू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट. हो सकता है कि कुछ ट्रांजिशन स्टेट में कोलैप्स बट डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट, रादर मेक्स द न्यूक्लियोफाइल एंड सब्सट्रेट फ्री. Do you understand? Yes, sir. Okay. So that is what you said. That means it takes care of the Lindemann's approach that activated your molecule activated ho raha hai. Activated molecule may not give rise to product. Activated molecule may decompose to give you may decompose or may come back to reactants. Same thing. So all transition state do not give rise to product. Some of the transition state may also collapse and make the nucleophile and substrate free. So that is why this first part of the process is reversible. And there existed dynamic equilibrium. You know, every reversible process approaches an equilibrium state. Do you understand that dynamic equilibrium? Yes, sir. Anywhere you feel that it is not, you are not understanding or you need some more elaboration, I can explain. But every reversible process approaches an equilibrium, which is known as dynamic. Dynamic means after the equilibrium established, the process, both the process, transformation of nucleophile substrate into transition state and transition state back to nucleophile and substrate, dono process hota hai, but same rate mein hota hai. That is why the name is dynamic equilibrium. So ye jo part hai, ये एक्टिव माने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ये प्रोडक्ट में जाएगा, बट समटाइम्स हो सकता है कि होटल से ये लौट के चला है. आप सोच सकते हो ना, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू क्रॉस द होटल. हो सकता है कि होटल से कोई ऊपर चला जाए, ऊपर पहुंचने के बाद हो सकता है कि प्रोडक्ट में चला जाए, हो सकता है बैक भी आ सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है. थर्ड पॉइंट इज दैट ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, व्हाट यू मीन दिस ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. द ट्रांजिशन स्टेट इज एक्चुअली नॉट रिजिड. रिजिड आपको समझ में आ रहा है तो, नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल. ये नहीं होता है, कोई भी मॉलिक्यूल भी रिजिड नहीं होता है. हेलो सर, मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल. यस कुछ पूछना है सर? आपका वाईफाई शायद बफर कर रहा है. वो सुनाई नहीं दे रहा है. यस सर, हाँ. Yes, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर. रिजिड ये तो बहुत प्रॉब्लम है. कल भी प्रॉब्लम हो रहा था, आपका नहीं हुआ, बट B27 का जब क्लास ले रहा था सेकंड हाफ में, इट वाज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम एंड आई हैव टू कनेक्ट फ्रॉम माय मोबाइल हॉटस्पॉट. कितना देर आप सुन नहीं पाए? सर 2-3 बार हो चुका है अभी तक सर. वो जो आप बोले ना, तो रिवाइंड टू योर लास्ट 2 मिनट से थोड़ा सा हुआ था, 1 मिनट के लिए. अच्छा, अभी तो क्लास होगा आपका ना? नहीं सर, 11:20 से. 11:20 से अभी गैप भी ज्यादा नहीं है,
आप एक काम करो, ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं पहले शेयर कर देता हूँ। आप जब नेक्स्ट क्लास में मीन्स टुमारो जब आप ज्वाइन करोगे, अच्छा टुमारो भी आपका क्लास एट 9 o'clock ना? नहीं सर, कल हम लोग का कल प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप इसके थ्रू यू गो थ्रू, अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आपका भी एक क्लास में नहीं लिया हूँ, मीन्स वन क्लास बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन आई हैव नॉट टेकन, आई विल बी लुकिंग इनटू दैट, वी हैव टू एडजस्ट दैट, आई विल बी टेलिंग दैट। आप थोड़ा देखो इसको, इसके थ्रू यू गो थ्रू, मैं फिर एक बार इसको ब्रश अप कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सर आप असाइनमेंट कब करवाएंगे? असाइनमेंट डाउट क्लियरिंग तो यस सर, वो सब बहुत हो गया। कितना किए क्वेश्चन, कितना किए सर? 12 तक हो गए सर, 12 तक कर देंगे, कर देंगे। क्या आंसर आप दे सकते हैं क्या? अच्छा मैं लॉजिक से ऊपर डिपेंड करता हूँ, कभी कभी आंसर कर देता हूँ, बट शो वाले हैं जैसे कि डेराइवेशन वाले, वो तो आप दे दे, मतलब जिसमें आंसर निकालना है वो ना दे तो चलेगा सर? आई विल डिस्कस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जैसे थर्मोडायनामिक्स का किया था, मैं पूरा बोर्ड के ऊपर कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी फिनिश एक्चुअली वन और टू क्लासेस, लेट मी फिनिश दिस वन, देन आई विल डिस्कस द डाउट्स, ओके ठीक है। सो मिलते हैं थर्सडे को सर। काइनेटिक्स खत्म होने में और कितने क्लासेस लगेंगे? अप्रोक्स 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक फिनिश। थैंक यू। एक्चुअली जब बफर हो रहा था उस टाइम में कुछ नहीं आ रहा था, ओनली वॉइस, मैंने वॉइस बफर हो रहा था ना क्या सर? आपका वीडियो अटक गया, वीडियो अटक गया था उस पे पोस्ट, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।